भारत का मध्य केंद्र बिंदु है। नागपुर के 0 माइल से 10 किलोमीटर की दूरी पर काउंटी रोड स्थित नागलोक परिसर आता है। 15 एकड़ में फैले नागलोक परिसर की कई विशेषता है। इस परिसर में तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी अभय मुद्रा, चलित मूर्ति सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करी है। आइए देखते हैं नागलोक परिसर से जुड़ी कई विशेषताएं। हमारे बीसीएन न्यूज संवाददाता संजय मिरे इनके द्वारा बनाई गई नागलोक की स्पेशल स्टोरी में। इन बीसीएन के तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों, आज हम आपको शहर के कुछ ऐसे तीर्थस्थली के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लोगों का ध्यान लगता है और लोग विपश्यना करते हुए मन की शांति पाते हैं। जी हां, नागपुर से 10 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले कामठी रोड स्थित ये है नागलोक। नागपुर भारत का मध्य केंद्र बिंदु है, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर मानवीय मूल्य पर आधारित ऐसे बौद्ध धर्म को अपने 4.5-5 लाख लोगों के साथ स्वीकृत किया और बौद्ध धर्म को भारत भूमि पर पुनर्जीवित किया। ऐसे ही नाग भूमि में बसा है ये नागलोक। नागपुर के 0 माइल से 10 किलोमीटर के अंतराल में नाग भूमि है। नागलोक ये नागवंशी लोगों की भूमि है, उसी से प्रेरित होकर यह केंद्र का नाम नागलोक रखा है। नागलोक का क्षेत्रफल 15 एकड़ में है और उसी में मन को भाने वाली और प्रेरित करने वाली तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी इनकी 56 फीट की चलित बुद्धा अभय मुद्रा में स्थापित है, जो सभी को निर्भयता और शांति का संदेश देती है। यह बुद्ध की मूर्ति ताइवान के बौद्ध शिल्पकार वेन कुई चान इन्होंने बनाकर दान स्वरूप में भारतीय बौद्धों को समर्पित की है। स्क्रीन पर दिख रही ये मनभावन आकर्षक बुद्ध प्रतिमा विविध धातुओं से बनाई गई है। नागलोक में जब हम अंदर में प्रवेश किया तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनकी एक ऐसी दुर्लभ स्टेचू यहाँ पे दिखाई देता है और अक्सर बाबा साहब अम्बेडकर जी को टाई कोट फुल पैंट में सूट बूट में देखा है, लेकिन क्या अभी बाबा साहब को आप लोगों ने धोती कुर्ता में देखा है? जी नहीं। और यही यह मूर्ति है, जब धर्मांतरण की जब बात हो रही थी तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही धोती और कुर्ता पहना था। और एक तरह से ये भी कहा जाता है कि बाबा साहब का ये जो स्टेचू जो दिखाई दे रहा है ये चलने वाली मुद्रा में है और आगे में तथागत गौतम बुद्ध जी इनकी जो प्रतिमा है वहाँ पे जो मूर्ति है वो भी चलने की दिशा में है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी चलते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध जी भी खुद बाबा साहब से मिलने चलते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक अलग दुर्लभ स्टेचू यहाँ पर दिखाई देता है। धर्मांतरण के समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने धोती कुर्ता या भारतीय पहनावा पहना था। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की ओर चल रहे हैं और बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब की ओर। बाबा साहब की ये दृष्टि थी कि जाति विरहित समाज की निर्मिति करना और उसी से लेकर वो चाहते थे समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय पर आधारित नीतिमान समाज का निर्माण करना। ये बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए नागलोक प्रतिज्ञाबद्ध है। इस समय में हमारे साथ में धम्मचारी नागमित्र नागलोक में मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से ये जो विशालकाय जो मूर्ति दिखाई दे रही है, जो अभय मुद्रा में दिखाई दे रही है, और नागलोक की क्या विशेषता है और इस मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहोगे सर? तो धन्यवाद आपके सवाल के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को जो यहाँ नागलोक में आकर इस तथागत बुद्ध की मूर्ति जो एक शिल्पकार ताइवान के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार जो अपने आप में बड़े माहिर है मूर्तियाँ बनाने में, उन्होंने इस मूर्ति को ताइवान में बनाई और ताइवान में बनाकर यहाँ हमें दान स्वरूप में दी। ये मूर्ति इस ज़मीन के स्तर से तो ऊपर चोटी तक ये पूरी 56 फीट की है और मूर्ति अपने आप में लगभग एक 32 फीट की है जो 3 पीस में लाई गई थी और यहीं इंस्टॉल करी गई और यहीं उन सारे इंजीनियरों ने और कारागिरों ने यहीं पर उसको वेल्ड किया, इंस्टॉल किया, रंगीत किया और सभी तरीके से उसको सुशोभित करके हमारे सामने प्रदर्शित है। असल में मास्टर वेन कुई जिन्होंने दान दिए वो बड़े शिल्पकार भी हैं और उनको वो ताइवान से है और प्रसिद्ध पूरे चाइना में है और संसार में भी। तो ये बुद्ध मूर्ति की जो कल्पना है हमने
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टि में जो बुद्ध देखते थे कि बुद्ध कैसा हो, तो उनको चलता हुआ बुद्ध बहुत अच्छा लगता था। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो उन्होंने एक संदेश दिया था, उस संदेश को पूरी करती हुई ये बुद्ध मूर्ति एक तरीके से प्रेरणा देने वाली मूर्ति है, जो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ जा रही है या बाबा साहब अम्बेडकर इस तरफ चल के आ रहे हैं, उसको उजागर करती है। और ये अपने आप में पूरी मूर्ति पूरी ठोस है, ये एक तरीके से पूरे 15 टन वजन में बनी हुई है, जो पूरी तरह से पीतल में है, और ये बहुत अनोखी बुद्ध मूर्ति है। इस बुद्ध मूर्ति के दर्शन के लिए भारत से ही नहीं तो विश्व से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन लेते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से नागमित्र जी ने जो बात जो बताई है बिल्कुल सही बताई है कि सिमात्र शहर से नहीं तो कई राज्यों से नहीं, भारतवर्ष से नहीं तो दूर दराज से कई विश्व से कई लोग यहाँ पे आते हैं और तथागत भगवान बुद्ध जी का दर्शन करते हैं। क्योंकि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जब हम देखते हैं तो एक बड़ा ही आनंद सा लगता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभय मुद्रा में ये जो मूर्ति है और ये ज्ञान का प्रतीक भी है। और भी कुछ नागलोक में कुछ विशेषता है, आइए हमारे साथ हम आपको बताते हैं। नागलोक के इसी परिसर में बुद्ध सूर्य विहार है, जहाँ पर प्रतिदिन लोग ध्यान करने और धार्मिक गतिविधियां करने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। यहां पर 300 से लेकर 400 लोग ध्यान के इसी जगह पर बैठ सकते हैं, इसकी सुविधा भी की गई है। इस समय हमारे साथ में धम्मचारी तेज दर्शन जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताए कि जिस तरह से यहां का जो कार्य का जो विस्तार है और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी की ये बहुत ही अभय मुद्रा में जो मूर्ति है काफी प्रसन्न दिखाई देती है और काफी सकारात्मक सोच, एक अच्छी ऊर्जा यहाँ से मिलती है। और आप पिछले 17 वर्षों से नागलोक में काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे पूरे कामकाज को लेकर? तो सबसे पहले मैं आप सभी का नागलोक में स्वागत करता हूँ। नागलोक नागपुर में है और नागपुर ये भारत का केंद्र है, भारत का मध्य बिंदु है, जहाँ पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने अपने 5 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। ऐसा ये बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है नागलोक। नागलोक ये 15 एकड़ की जगह में बैठा हुआ है। ये जो कैंपस है सुंदर है, शांत है और वाइब्रेंट है। यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आते हैं। खास कर नागलोक की निर्मिति किए हैं हमने, जो बाबा साहब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इनका जो सपना है, जो सपना है नया समाज निर्माण करने का, जो नया समाज है जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं है और समता स्वतंत्र बंधुत्व और न्याय, ये जो मानवीय मूल्य है, ये मानवीय मूल्य के आधार पर नया समाज की निर्मिति करना, ये बाबा साहब का सपना है। और ये बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए ये नागलोक समर्पित है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाबा साहब भगवान बुद्ध की 56 फुट की मूर्ति यहाँ पर है, जो चलती हुई बुद्ध की मूर्ति है, चलता हुआ बुद्ध, वॉकिंग बुद्ध, कंपैशन एक्शन। भगवान बुद्ध कभी भी अपनी जिंदगी में स्थिर नहीं हुए, वो अपनी शिक्षा की देशना करने के लिए गांव गांव और शहरों शहरों जंगले जंगले घूमते रहे और दुखम मुक्ति का जो धम्म है वो देते रहे, और वही उनका मकसद था। इसीलिए इसे हम कहते हैं कंपैशन इन एक्शन, करुणा कृति में करुणा। तो ये उसका प्रतीक है, भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, उनका जो जीवन है, उसका वो प्रतीक है। ऐसी ये 56 फुट की प्रतिमा हमें प्रेरणा देती है। ये अभय मुद्रा में है, जिसे देखकर हमें अभय मिलता है, हमें डर नहीं लगता है। सो भगवान बुद्ध ये डराते नहीं है, वो हमें निर्भयता देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, विश्वास देते हैं और आगे चलते रहना है, जिंदगी में आगे चलना है, ये हमें बताते हैं। तो ये उसका प्रतीक है। बिल्कुल, और ऐसे बढ़ते कदम होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि इस देश में युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है, और शांति करुणा और प्रेम का संगम यदि देखना है तो नागलोक में आप आके देख सकते हो। ये मूर्ति अपने आप में बहुत ही प्यारी मूर्ति है, शांति का प्रतीक है, और इनके दर्शन लेने के लिए दूर दराज से पूरे विश्व से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पूरे विश्व में बंधुत्व भाईचारा और प्यार कायम हो
और सब तरफ अमन हो और देश के कामकाज सुचारू ढंग से चले, यही कामनाएं भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी इस नागलोक की क्या क्या विशेषता है आइए जानते हैं। वहां पे कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आइए हमारे साथ। नागलोक में नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इसी इंस्टीट्यूट में भारत के विविध राज्यों से युवक युवतियाँ प्रशिक्षण के लिए आती है। दर्शकों, अब हम नागलोक के एक ऐसे सेंटर में आए हुए हैं जिसे नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पे अपना ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान लेते हैं और यही पूरा वो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जहाँ पे दूर दराज से कई छात्र छात्राएं शिक्षा का लाभ लेते हुए नजर आते हैं। इस समय में हमारे साथ में नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर पात्रा जी है, आइए उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है विशेषता नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, क्या कहना चाहोगे सर पात्रा जी? जी, पहले ये जो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये करीबन 20 सालों से ये चल रहा है और इसके साथ साथ ये जो नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में दो प्रकार के कोर्स हम जनरली हम चलाते हैं। एक तो कोर्स है जिसको हम धम्म शिक्षा कहते हैं और ये जो धम्म शिक्षा कोर्स ये पहले ये 10 महीने का था लेकिन अभी ये 8 महीने का ये पूरा ये रेसिडेंशियल ये कोर्स है। जैसे आपने देखे होगा कैंपस में जो बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल से, तो यहाँ दूर दराज से यानी करीबन हम भारत के लगभग बहुत सारे हर स्टेट की स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं ये धम्म शिक्षा का कोर्स करने के लिए। और इस धम्म शिक्षा के कोर्स में जनरली हम बेसिक जो बुद्धिज्म है, बुद्ध की शिक्षा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, इसके अलावा जो सोशल वर्क है, ये सारे बेसिक हम उसको हम जानकारी देते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ मैं बताया कि ये रेसिडेंशियल कोर्स है तो स्टूडेंट्स यहाँ सुबह मेडिटेशन करते हैं, शाम को पूजा भी करते हैं, गाथा का भी पठन करते हैं, दिन भर उनका क्लासेस भी चलता है और ये लाइब्रेरी है जो आप देख रहे हैं, लाइब्रेरी स्टडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ इसके तहत ये चलता है। तो ये एक कोर्स है ये जिसको धम्म शिक्षा कोर्स कहा जाता है। और दूसरा जो कोर्स है ये कॉलेज है, कॉलेज जो आप देख सकते हैं जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट है, ये हम नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में हमने इसको एफिलिएशन किए हैं। तो ये 2013 से ये नागार्जुन इंस्टीट्यूट कॉलेज करके चल रहा है और ये बैचलर डिग्री का कॉलेज है, यहाँ यानी कि यहाँ ग्रेजुएशन किया जाता है। इसमें हम पाली, बुद्धि स्टडीज़ और अम्बेडकर थाट्स इन सब्जेक्ट पर यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ ग्रेजुएशन भी करते हैं। बिल्कुल, और ज्ञान सबने लेना चाहिए कि यदि हमें ज्ञान नहीं मिला तो हम अज्ञानता हमारे में बढ़ जाएगी और अज्ञानता बढ़ना मतलब हमें दुर्बल होना है। क्या आपको भी दुर्बल होना है? अगर आपको दुर्बल नहीं होना है तो ज्ञान आपको लेना होगा, हम सबको ज्ञान लेना होगा, तब कहीं हमारा भारत भी मजबूत बनेगा। और भारत की ये आन बान शान रही है यह नागलोक का, यह नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, जहाँ पूरे विश्व से छात्र छात्राएँ बड़ी संख्या में पढ़ने के लिए आते हैं और ज्ञान में वृद्धि कर अपना जीवन संवर्धन कर रहे हैं और देश को मजबूत भी कर रहे हैं। नागलोक में संबोधि परायण शाला, यह ध्यान साधना सभागृह है। यह सभागृह निसर्ग रम्य और ध्यान साधना के लिए बहुत ही उपयुक्त ऐसा स्थान है जहाँ धम्मचारीगण ध्यान साधना के 8 सप्ताहों के और छुट्टियों के दरमियान ध्यान का प्रशिक्षण देने का उपक्रम चलाते हैं। नागलोक में हमने आपको कई विशेषताओं के बारे में बताया, अब यहाँ पे जो संबोधि परायण शाला है काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसी शाला है और उसके बारे में इस समय में हमारे साथ में फिर से धम्मचारी नागमित्र जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नागमित्र जी, ये बताएं कि जिस तरह से संबोधि परायण जो शाला है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या कामकाज होते हैं? संजय मीरे जी धन्यवाद। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये परिसर के जो खूबसूरती है उसकी एक बहुत अनोखी ऐसी जगह है जिसका नाम है संबोधि परायण शाला, जो ध्यान साधना का एक केंद्र है जहाँ हम सारे धम्मचारी अलग अलग तरीक़ों से बुद्ध की जो विशेष शिक्षा है ध्यान साधना, उस ध्यान साधना को वहाँ पढ़ाते हैं। वो ध्यान साधना हम दो अंगों में पढ़ाते हैं, दो तरीके से पढ़ाते हैं, वो है आनापानासति और मैत्री भावना। इसमें हम 8 माह का प्रशिक्षण लेते हैं, एक तरीके से 8 सप्ताहों का भी प्रशिक्षण होता है, हर फ्राइडे टू सैटरडे। तो लोग दूर दराज से आते हैं, 8 हफ्ता वो दोनों ध्यान साधनाओं को अनुभव से पढ़ते हैं, अनुभवी लोगों के माध्यम से। और उसके अलावा भी
हम नियमित रूप से वहाँ उस निसर्ग रम्य सभागृह में ध्यान साधना को पढ़ाते हैं। बहुत ही अद्भुत ऐसी जगह है जब आप उसको देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसका विस्तार करना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो जगह है पूरी नागलोक, वो हम लोग यूँ समझो कि उसका ध्येय समता स्वतंत्र बंधुत्व का यहाँ से प्रचार प्रसार हो, जो बाबा साहब की बहुत महत्वपूर्ण तत्व प्रणाली है जो बुद्ध से आई है। और इस परिसर में जो प्रशिक्षण देते हैं, वो प्रशिक्षण के 4-5 हिस्से हैं। वो हिस्से हैं संपूर्ण भारत से युवक और युवतियों को यहाँ बुद्ध धम्म के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरा मकसद है संपूर्ण भारत से धम्म कार्यकर्ताओं का, उपासकों का नेटवर्क विकसित करना। तीसरा मकसद है इसका अन्य देशों के बौद्धों से मेलजोल करना सम्मेलनों के माध्यम से। खासकर जब हम 14 अक्टूबर का कार्यक्रम सेलिब्रेट करते हैं, जो भी दशहरे के टाइम में होता है, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं, जिसमें तमाम दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। और साथ ही साथ एक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय दिन भी मनाते हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। तो वो संघ दिन के अवसर पर भी इस तरीके का आयोजन हम करते हैं। और स्थानिक धम्म गतिविधियाँ भी यहाँ चलाते हैं। जो बुद्ध सूर्य विहार है हमारा, वहाँ हर वक्त हम बुद्ध प्रशिक्षण के लिए इस तरीके का धम्म गतिविधि साप्ताहिक रूप से और मासिक रूप से भी वहाँ हम गतिविधियाँ चलाते हैं। और पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है, वो ये कि सम्यक आजीविका के आधार पर यहाँ जो हमारे प्रशिक्षित धम्मचारी है तेज दर्शन जी, वो युवकों को युवतियों को सम्यक आजीविका क्या है और हमने कैसे अपने आप की उपजीविका करनी चाहिए और बुद्ध की तत्व प्रणाली में कैसे करनी चाहिए, उसका वो प्रशिक्षण देते। तो ये पांच प्रकार के मकसद उद्देश्य यहाँ से पूरे करने की हम लोग कोशिश करते हैं। धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो आप थे धम्माचारी नागमित्र, जिन्होंने बखूबी बेबा के साथ बात करते हुए ये तमाम बातों पर रोशनी डाली। इसी नागलोक परिसर में गर्ल्स का हॉस्टल है। इस हॉस्टल में दूर दराज से आए हुए महिला प्रशिक्षणार्थी छात्राएं रहती है। इसी परिसर में विद्यार्थियों के ज्ञान में इजाफा हो, इसलिए एक भव्य लाइब्रेरी का आयोजन भी किया गया है, जहाँ पर इस लाइब्रेरी में पढ़कर कई लोग अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए रहते हैं। पीटीसी मेरे कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मगर आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है, ये बड़ा एक सवाल है। मगर नागार्जुन की यह लाइब्रेरी में प्रतिदिन दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं और परिसर के नागरिक आते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि ये लाइब्रेरी में ये एक ऐसा खजाना है, किताबों का खजाना मैं जिसे कहना चाहूँगा, और उस किताबों के खजाने से अपना जीवन संवर्धन एवं अपने ज्ञान में किस प्रकार से वे रोशनी कर रहे हैं। आइए, कुछ हमारे साथ में पढ़ने वाले लोग मौजूद है, अलग अलग स्टेट से आए हुए, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, कौन से स्टेट से आई हो, क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम सोसिना है और मैं अरुणाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं यहाँ पे बीए ग्रेजुएशन की हूँ यहाँ पे, और ये जो लाइब्रेरी है, मैं यहाँ से बहुत ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम ज्ञान देते हैं, जो यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं जो हमें घर में नहीं मिलता, वो सुविधा यहाँ पे हमें मिलती है। तो एक तरीके से हमें ये ऊर्जा मिलती है, हमें नॉलेज मिलता है कुछ चीज़ें को जानने की जो हमें पता नहीं होते, तो हमें इस लाइब्रेरी में जितने भी किताब है उसके द्वारा हमें नॉलेज मिलती है और उसको जान पाते हैं हम उसको। बिल्कुल, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा सच्चा दोस्त कोई होता है तो हमारा ज्ञान बढ़ाने वाली वो किताब। और आए दिन, आज शहर में एक समय ऐसा था कि लोग कभी भी लाइब्रेरी में जाना पसंद करते थे, मगर कोरोना कार्यकाल जब से शुरू हुआ तब लोगों ने बंद कर दिया था, मगर अब लोगों की पढ़ने की चाहत और भी बढ़ गई है और हर दिन शहर के अलग अलग लाइब्रेरी में काफ़ी लोग पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और नागार्जुन नागलोक के इस नागार्जुन लाइब्रेरी में ये तमाम महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई है, सुबह की 2 बैच भी यहाँ पे हो चुकी है। आप कहाँ से आई हो, क्या कहना चाहोगे आप? मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले से हूँ, मेरा नाम प्रियंका है जी। और मैं इस लाइब्रेरी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब मैं आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ, तो मैं यहाँ पे देखी कि मतलब तरह तरह के कई प्रकार के यहाँ पर किताबें रखा है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी इस लाइब्रेरी के बारे में,
यहाँ पर जो भगवान बुद्ध ने जो देशना दिया है, जो त्रिपिटक में संग्रहण किया गया है, वो पूरी किताब यहाँ पर है, तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिला और मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी। और यहाँ पर मतलब ऐसे कई प्रकार के बुद्धिज़्म के बुक्स हैं जो बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ बुक है, उसको भी मैंने पढ़ा। और एक क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी हमारा एक दोस्त होना ही चाहिए, क्योंकि नॉलेज जब हम लेते हैं तो हमारा ही मतलब विकास होता है। और लाइब्रेरी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइब्रेरी से मेरा मतलब एक आत्मविश्वास आया, क्योंकि मैं पढ़ती थी और जो भी मैं नॉलेज मतलब ली हूँ ज़्यादातर मैं लाइब्रेरी के बुक से ही मैं पढ़ के प्राप्त की हूँ। और बाबा साहब की जो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी है जी, वो भी यहाँ पर है और वो भी मैंने पढ़ी, अभी पूरी ख़त्म नहीं की है, ये दुख की बात है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। कोई नहीं, भविष्य में आप भी इसको पूरा करोगे। जब आप समय क्या जब यहाँ पे लाइब्रेरी में जब आप पढ़ती रहती हो तो कुछ ऐसा मतलब कोई लोग आपस में बहुत बातचीत करती कि सब सन्नाटा सा रहता, साइलेंट में रहते थे? यस, साइलेंट तो रहता है, लेकिन बीच में हमारा जब यहाँ पर क्लास भी होता था तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होता था, लेकिन ज़्यादातर शांति रहते थे। बिल्कुल, और शांति का प्रतीक ही तथागत गौतम बुद्ध जी है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से ये बताया कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ता है कहते हैं कि वो शेरनी का दूध पिए जैसा काम होता है, उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। और देश ज्ञानता की ओर बढ़ना चाहिए, अज्ञानता की ओर नहीं। और किताब ये हमारे जीवन का सच्चा दोस्त है, उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि जब किताब हमारे साथ में है तो कोई हमारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की रोशनी के आगे में सारे अंधकार फीके है, रोशनी अपने आप में एक है। और भी नागलोक की कुछ अच्छी अच्छी विशेषताएँ, आइए हम उनसे भी आपको रूबरू करना चाहते हैं, आइए हमारे साथ। शाक्य कुल यह विशेष अतिथि गृह है, यहाँ पर बौद्ध धम्म के मशहूर धम्म प्रचारक आदरणीय परम पूज्य दलाई लामा जी, वियतनाम के प्रसिद्ध ध्यान प्रशिक्षक आदरणीय थिंकनाथ हान और भारत के त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इस जागतिक आंदोलन को भारत में प्रस्थापित करने वाले लोकप्रिय धम्माचार्य लोकमित्र जी, वे सारे यहाँ के शाक्य कुल में उनका वास्तव्य रहा है। नागलोक में अधिष्ठान यह बिल्डिंग ध्यान और धम्म अध्ययन करने हेतु लोगों की व्यवस्था इस इमारत में की जाती है। नागलोक की कई विशेषताएं, उनमें से एक है शाक्य कुल है, अधिष्ठाय है और संबोधि परायण, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके बारे में भी हम आपको पल पल की जानकारी देने जा रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में धम्मचारी तेज दर्शन जी है, उनसे जानना चाहेंगे। तेज दर्शन जी, क्या कहना चाहेंगे, शाक्य कुल जिस प्रकार से ये कामकाज कर रहा है, अपने आप में एक है और काफ़ी यहाँ पे विद्यार्थी भी दिखाई देते हैं, क्या जानकारी है? विशेषता ये जो तीन बिल्डिंग है जिसके रास्ते पर हम खड़े हैं, पहला तो है संबोधि परायण, ये मेडिटेशन हॉल है, जो भी छोटे प्रोग्राम होते हैं 30-40 लोगों के, वो वहाँ पर होते हैं। और संबोधि परायण की ये विशेषता है, वहाँ पर हम जाएंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे तो हमें लगता है कि हम निसर्ग में बैठे हैं। जब हम अंदर जाते हैं तो वी लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो शून्यवाद नागार्जुन ने बताया है वो शून्यवाद का वो प्रतीक है। दूसरी जो बिल्डिंग है जिसे शाक्य कुल कहा जाता है, ये शाक्य कुल ये अतिथि गृह है और स्पेशल अतिथि गृह है। जैसे हम देखते हैं थिकनाथ थान है, हिज होलीनेस दलाई लामा और बहुत ही जो कुछ बड़े बड़े भिक्षु है वो यहाँ पर रहकर गए हैं, तो ये स्पेशल अतिथि गृह है। दूसरा है अधिष्ठान, अधिष्ठान ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर 30-40 लोग रहने की व्यवस्था है, ये जो परिसर है शांत है, एक कोने में है, तो यहाँ पर बौद्ध धम्म का ध्यान पढ़ाया जाता है और बौद्ध धम्म पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ये जो अधिष्ठान बिल्डिंग है वो उसी के लिए समर्पित है, तो ऐसा ये जो कोना है शांत है और अच्छा है, इसको देखकर आपको सभी को प्रेरणा मिलेगी। तो ये थी तमाम नागलोक की विशेषताएं, और भी कुछ बातें हैं, आइए वहाँ पर भी हम रुक करते हैं, आइए हमारे साथ। नागलोक में बोधिचित्त नाम के दो सभागृह है, जिसमें 120 युवा छात्र रहने की व्यवस्था की गई है। उपाय और पारमिता ये विशेष अतिथि गृह है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, सेमिनार, वर्कशॉप इनका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर रहने के लिए वातानुकूलित और साधारण कक्ष रहने के लिए है। यहाँ पर अलग अलग गतिविधियाँ चलती है, जैसे की नागलोगा स्टे, नागलोगा कैटरिंग, नागलोगा इवेंट, नागलोगा
टूरिज्म, नागलोगा रेस्टोरेंट, नागलोगा गिफ्ट शॉप आदि चलाए जाते हैं। नागलोग का ये वही शाक्य कुल है जहाँ पे बौद्ध गुरु दलाई लामा जी और थिकनाथ थान ये अक्सर इसी शाक्य कुल में आकर आराम फरमाते रहते हैं और अब तक के वे 2-3 बार आ चुके हैं। तो ऐसा है ये शाक्य कुल, और भी कुछ जानकारी है आइए हमारे साथ। नागलोग में उपाय और पारमिता नाम की दो ऐसी यहाँ पे बिल्डिंगें हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा कामकाज हो रहा है। आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे, इस समय में हमारे साथ में धम्माचारी तेज दर्शन जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताएं कि जिस तरह से यहाँ उपाय और एक पारमिता की दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या कामकाज होता है? तो उपाय और पारमिता ये जो दो बिल्डिंग्स है, यहाँ पर खास कर रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय और इंटरनेशनल तौर पर कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, परिषद होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बिजनेस मीटिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर एसी रूम्स है, नॉन एसी रूम्स है, डॉर्मेटरीज है, तो ये रहने की व्यवस्था है। और इसी के साथ यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ हॉल्स है जिसमें अलग अलग प्रकार के इवेंट्स होते हैं, जैसे मैरिज होता है, कभी बर्थडे पार्टी होती है, रिटायरमेंट पार्टी होती है, कुछ बिजनेस मीटिंग होती है, तो ये जो मल्टीपर्पज़ हॉल है ये अलग अलग प्रोग्राम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटर इंडिया होने के कारण पूरे भारत से ये आसान होता है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और आपके जो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर रख सकते हैं। खास कर सेंटर इंडिया होने के कारण बहुत आसान है ट्रैवल करना, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड भी। तो ये ऐसी ढंग से ये बनाई हुई है और आप अंदर से भी इसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी सुविधा है। तो ये आप सुविधाएं जो है यहाँ पर उसका आप अनुभव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कुछ सामाजिक कार्य है, एजुकेशनल कार्य है, इसके लिए आप मदद कर सकते हैं। तो इसे आप रह भी सकते हैं, होटल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपका पैसा है ये समाज के लिए जा रहा है, आंदोलन के लिए जा रहा है, समाज परिवर्तन के लिए इसकी मदद हो रही है, ये किसी के पॉकेट में नहीं जाता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर नागलो का टूरिज़्म है, नागलो का केटरिंग है, नागलो का इवेंट्स है, नागलो का बुकशॉप है, नागलो का मैरिज लॉन है, ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हमने प्रस्तापित की है जो इनकम जनरेट करता है और हमें सपोर्ट करता है। आप नागलोग को दान भी दे सकते हैं और यहाँ का जो प्रशिक्षण है जिसका मकसद है हमारा जो प्रबुद्ध भारत बनाना है, इनलाइटन इंडिया जो बनाना है, उसके लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। और समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय इस आधार पर नया समाज की निर्मित के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। नागलोगा एम्पोरियम में जहां बुद्ध और बाबा साहब के साहित्य उपलब्ध है और बुद्ध की विशेष मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, दूर दराज से प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। नागलोग के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने का स्थान है जहां पर बौद्ध मैरिज और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि नागपुर के 0 माइल के 10 किलोमीटर के दूरी पर आने वाले कामती स्थित की यह स्पेशल स्टोरी नागलोग की थी। अगली बार हम शहर के फिर ऐसे किसी स्थान को हम आपके समक्ष लेके आएंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए BCN न्यूज नागपुर। नमस्कार। तो दर्शकों, नागलोग के इस स्पेशल स्टोरी में आज हमने आपको नागलोग के 15 एकड़ में जिस प्रकार से जो अलग अलग सेशंस जो बनाए गए थे उसके बारे में तमाम जानकारियां दी है। और नागलोग अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नागलोग में भारतवर्ष के साथ साथ दूर दराज और इंटरनेशनल लेवल से भी कई छात्र छात्राएं यहाँ पे शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं। और नागलोग की ये खूबियाँ दिन ब दिन दूर दराज तक इसकी जानकारी लोगों को हो रही है। BCN न्यूज टीम की ओर से आज स्पेशल स्टोरी में नागलोग के बारे में हमने आप तक पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाई है। और अगली बार फिर किसी शहर की
एक ऐसी ही जगह स्थान को लेकर हम आपको स्पेशल स्टोरी के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक नागलोक परिसर से मेरे कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ मुझे संजय मीणा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बीसी न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।